हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पनीशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नाम श्वेता. सो आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स लूसन बुक के. सो आज है डे 10, यानी अभी तक हमने कितने क्लासेस कर लिया है? 9 क्लासेस कर लिया है. एंड 9 क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो. इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी कंटेंट जो है आपको दिया गया है. ओके, आपके आने वाले जो भी रेलवे एग्जामिनेशंस या स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस या SSC एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं. ठीक है ना? ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हम जो है ओनली वन लाइनर्स नहीं करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से डीपली थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेते हैं. ठीक है ना? सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला वन लाइनर कौन सा है. सो यहाँ पे पहला वाला आ गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ठीक है ना? ये याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है ना? यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से. ठीक है? सो यहाँ पे देखा है तो फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो और कौन से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है. अगर हम बात करेंगे जजेस, सो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो रिमूवल है, उनको सो रिमूवल ऑफ सुप्रीम जजेस, ये जो प्रोसेस है सुप्रीम जजेस एंड हाई कोर्ट, सो इन दोनों ही कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको कैसे निकाला जाता है, ओके, रिमूव किया जाता है, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ठीक है ना? एंड यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सी है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. सो यहाँ पे हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होती है. सो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. अगर यहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट है, सो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, सो इसके बारे में भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ठीक है ना? ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आयरलैंड की, सो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन यानी प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शंस हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है आयरलैंड से. ठीक है ना? ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, सो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से लिया है? USSR से लिया है. सो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज हम कहाँ से लिया है? USSR से लिया है. ठीक है ना? सो नेक्स्ट अगर और भी बात करेंगे तो सो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, पता है ना कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? सो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है कॉन्करेंट लिस्ट को. देन और क्या क्या लिया है हमने? जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, ठीक है ना? नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अफ्रीका, अफ्रीका से हमने क्या लिया है? ये साउथ अफ्रीका है. ठीक है ना? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे हमने क्या लिया है? इलेक्शन, किसके इलेक्शंस के बारे में हमने बोरो किया है? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. सो राज्यसभा के इलेक्शंस, उनके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से. ठीक है ना? और क्या लिया है हमने? अमाइनमेंट की प्रोसेस है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमाइनमेंट्स होते हैं ना, किस तरह से होते हैं, अमाइनमेंट्स का प्रोसीजर किस तरह होना है, ये हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से. ठीक है ना? ओके, और अगर हम बात करेंगे जर्मनी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, याद रखना है जर्मनी का. तो जर्मनी से हमने क्या लिया है?
इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है ना, इतना सा याद रख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और भी पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। सो चलो नेक्स्ट वाले देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। सो नेक्स्ट वन यहाँ पे कौन सा आ गया है कि लावानी इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। सो यहाँ पे हम एक फोक डांस के बारे में बात कर रहे हैं, वो है लावानी, और ये फोक डांस है महाराष्ट्र की, ठीक है ना, राइट, समझ में आ गया, ये याद रखनी है, फोक डांसेस हो या क्लासिकल डांसेस हो, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सो डांसेस जो भी पढ़ा रही हूँ वो याद रखने की कोशिश करना। सो यहाँ पे बांगड़ा है, सो बांगड़ा कौन सा स्टेट का फोक डांस है, बांगड़ा जो है पंजाब का है, ठीक है ना, ओके। देन यहाँ पे हम बात करेंगे दांडिया, सो दांडिया कौन सी स्टेट की है, दांडिया गुजरात की है, ठीक है ना, गुजरात की है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे चाहू के बारे में, सो यहाँ पे मैंने जब आप क्लासिकल डांसेस के बारे में बता रही तो पढ़ा रही तो सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ा रही तो झारखंड बोल के मैंने आपको पढ़ाया था, पर यहाँ पे थोड़े बच्चों ने कहा है कि वेस्ट बंगाल का है, ठीक है ना। सो बात यह है कि चाहू डांस जो है झारखंड, ओडिशा, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ये तीनों ही स्टेट्स की है, ठीक है ना, याद रखनी है इतनी सी बात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फोक डांस है चाहू, ठीक है ना, याद रखनी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखना नाच है, सो नाच फोक डांस कौन सी स्टेट की है, मध्य प्रदेश की है। सो मध्य प्रदेश में और कौन से है, राय है, ठीक है ना, ये भी एक फोक डांस है मध्य प्रदेश की, और फागु है, ठीक है ना, और कौन सा है, हरी वरी है, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे पांडवानी, सो ये कौन से स्टेट की है, छत्तीसगढ़ की है, ठीक है ना, देन यहाँ पे भुजिया सो ये कौन से स्टेट की है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है ना, ओके। सो अगर हम यहाँ पे क्लासिकल डांसेस, थोड़े क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे तो कौन से है क्लासिकल डांसेस, कथक है, कथकली है, और कौन से है, कुचिपुड़ी है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, ठीक है, ये थोड़े क्लासिकल डांसेस हैं, थोड़े मैंने आपको फोक डांसेस पढ़ा दिया है, ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा वन लाइनर है। सो नेक्स्ट वन देखना, यहाँ पे राम गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सो गंगा का ट्रिब्यूटरी है राम गंगा, ठीक है ना, ये रिवर, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है राम गंगा, ठीक है ना। अगर और थोड़े और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करेंगे तो कौन से हैं, गोमटी है ना, गोमटी नदी कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा की है, ठीक है ना। देन कौन से है, कौसी है, ओके, घाघरा भी है, घाघरा नदी, ठीक है ना, और यमुना रिवर भी है, ये भी गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, और सन है, ओके, और राम गंगा भी है, और कौन से है, गैंगटक है, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरीज है, ये है गंगा के ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना, याद रखनी है। अगर हम यहाँ पे यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो यमुना के भी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे यमुना एक गंगा का ट्रिब्यूटरी है, और यमुना का भी ट्रिब्यूटरीज है, कौन से है, सिंध है, देन कौन सी है, चंबल है, बेटवा है, और केन है, और टंस है, और हिंडन है, ठीक है ना, ये सारे के सारे यमुना के ट्रिब्यूटरीज है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे नर्मदा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज देखना यहाँ पे,
कौन से हैं? अमरावती है, अमरावती बुक्ति है, बुखी है, ठीक है ना। देन बांगर है और थावा है, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज किसके हैं? नर्मदा नदी के हैं, ठीक है ना, याद रख लेना। ओके, देन अगर हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? यहाँ पे देखना, दिबांग है, ठीक है, दिखाव है, मानस है, और कौन से है? लोहित है, ठीक है ना। ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा के, याद रख लेना। ओके, काफी इम्पोर्टेंट है। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर कौन सी है। सो यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टू प्लेस इन द ईयर 1556। सो यहाँ पे सेकंड बैटल यानी दूसरी पानीपत की युद्ध के बारे में बात करें, वो 1556 एडी में हुआ था, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन बैटल हुए थे पानीपत के। तो पहला वाला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। देन दूसरा हुआ था 1556 में हुआ था। देन तीसरा कब हुआ था? 1761 एडी में हुआ था, ठीक है। सो ये तीनों ही जो है पानीपत के युद्ध है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। सो पहला वाला जो है बार्बर और इब्राहिम के बीच में हुआ था, ठीक है ना, और दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और तीसरा अफगान्स एंड मराठास के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे पहली में जीत हुई थी किसकी? हुई थी बार्बर की हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अकबर की हुई थी सेकंड वाले में जीत, और ठीक है, तीसरे में अफगान्स का जीत हो गया था, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखनी है। ये फर्स्ट 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल, 1556 में सेकंड हुआ था, 1761 में थर्ड बैटल हुआ था, ठीक है ना। बार्बर और इब्राहिम के बीच में पहली वाली हुई थी और बार्बर की जीत हो गया था इसमें, ठीक है ना। सेकंड वन में अकबर और हेमू के बीच में अकबर का जीत हो गया था, तीसरे में अफगान्स और मराठास के बीच में लड़ाई हुई थी, अफगान्स का जीत हो गया था, ठीक है ना। और ईयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है ना। So, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, कौन सा है नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन देखना, यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर, यहाँ पे अगर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात होती है तो वो कौन से दिन होती है? 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, पता ही है ना आप सारे लोगों को, पढ़ाया ना मैंने। सो यहाँ पे कौन सी और ये नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे अगर ऑब्जर्व कर रहा है वो 24 दिसंबर को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। सो 1 दिसंबर को क्या होता है? HIV डे होती है, पता ही है ना आप सारे लोगों को, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ओके, 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे, ठीक है ना, इंडियन नेवी डे है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 दिसंबर की, तो वर्ल्ड सॉयल डे इस दिन हम मनाते हैं, ठीक है ना। क्या है? वर्ल्ड सॉयल डे है, ठीक है। देन यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन देखना, 10 दिसंबर को क्या मनाते हम यहाँ पे? ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। क्या है? ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? यूनिसेफ डे मनाया जाता है, ठीक है, यूनिसेफ डे। ओके, तो याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 दिसंबर, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट 24 को हम यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25, तो गुड गवर्नेंस डे। क्या है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है इस दिन, ठीक है ना। इतना सा लिख लो, याद भी रखनी है, ठीक है ना, काफी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे HIV डे हो जाता है, नेवी डे, सॉयल डे, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है ना, एंड ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कौन सा है नेक्स्ट वन।
सो नेक्स्ट वन देखो, नटराज टेम्पल इज इन चिदंबरम तमिलनाडु. काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेम्पल है ये. नटराज टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में. कंफ्यूज नहीं होना है तमिलनाडु केरला कर्नाटका के टेम्पल्स में, ठीक है. सो अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो और कौन से है? मीनाक्षी टेम्पल है यहाँ पे, रामनाथ स्वामी टेम्पल है. ओके सो ये याद रख लो. देन नेक्स्ट यहाँ पे बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है. हाँ कि नहीं? उत्तराखंड में है बद्रीनाथ टेम्पल, ठीक है ना. अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं केदारनाथ, केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है, ठीक है. देन सन टेम्पल कहाँ पे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल जो यूनेस्को साइट भी है, उड़ीसा में है, ठीक है. कोणार्क उड़ीसा में है सन टेम्पल, ठीक है. ओके सो यहाँ पे लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? लिंगराज टेम्पल ओडिशा में है ये भी, ठीक है ना. ओडिशा भुवनेश्वर में है, ठीक है. और यहाँ पे तिरुपति बालाजी टेम्पल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है. बालाजी टेम्पल कहाँ पे है ये पूछा जाता है. देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बालाजी टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश तिरुपति में है, ठीक है. ठीक है ना. देन वीरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेम्पल है. कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है. हम्पी कर्नाटका में है, ठीक है ना. आप लिख लो, ठीक है. मैंने थोड़े टेम्पल्स आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. ओके अभी भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे श्रीपुरम, श्रीपुरम का गोल्डन टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये वेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है ना. कोलकाता में ये, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में. ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेम्पल है, ठीक है ना. क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया का गोल्ड जो है इसी टेम्पल में, ये केरला में है, ठीक है ना. काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सबरीमला टेम्पल, ये कहाँ पे है? ये भी केरला में ही है, ठीक है ना. ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टेम्पल है, ठीक है. सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा वन लाइनर है? सो नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट पूसा न्यू दिल्ली. सो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली पूसा में है, ठीक है. सो और भी बात करेंगे. सो यहाँ पे देखना सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? रिसर्च इंस्टीट्यूट लेदर का चेन्नई में है, ठीक है ना. ओके सो नेक्स्ट हम बात करेंगे और कौन से है? कौन सा है ये? सेंट्रल शुगर ब्रीड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कोयम्बतूर में है, ठीक है ना. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? कारनाल हरियाणा में है, ठीक है ना. कारनाल हरियाणा में है ये, याद रख लीजिए. सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा वन है? थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले बता पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है ना. याद रखनी है. ओके सो यहाँ पे देखना सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट.
बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रूखे रुखी में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। NHAI ये न्यू दिल्ली में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे देखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, क्या है? ओशनोग्राफी, ये कहाँ पे है? पानाजी में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? पानाजी में है, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ये कहाँ पे है? ऑब्वियसली बैंगलोर में होगा, राइट? बैंगलोर में है ये, ठीक है। देन यहाँ पे देखना, नेशनल नहीं, सेंट्रल माइनिंग, एंड फ्यूल क्या है? सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? धनबाद झारखंड में है, ठीक है। याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है ना। झारखंड में है, ठीक है। सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड में है, याद रख लीजिए। सो चलो नेक्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं कौन सी है। सो यहाँ पे देखना क्या है, ये महात्मा गांधी गेव द टाइटल गुरुदेव टू रविंद्रनाथ ठाकुर। सो महात्मा गांधी ने एक टाइटल दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर को, वो कौन सी है? गुरुदेव है। अभी रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को एक टाइटल दिया है, वो क्या टाइटल है? महात्मा। महात्मा टाइटल महात्मा गांधी जी को किसने दिया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया है, ठीक है। इतनी सी बात याद रख लो। देन यहाँ पे, सो यहाँ पे विंस्टन ने महात्मा गांधी को एक टाइटल दिया है, वो कौन सी टाइटल है? सेमी फकीर, ठीक है ना। सेमी नेक्ड फकीर बोल के विंस्टन ने महात्मा गांधी जी को क्या दिया है? एक टाइटल दिया है। ओके, इतनी सी बात याद रख लेना, ठीक है ना। ये थोड़ी चीजें मैंने जो आपको बता दिया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रख लो। ओके, सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी। सो नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है, द साइज ऑफ 2000 रुपीज नोट इज 66 mm एंड 166 mm, ठीक है ना, इंटू 166 mm है, ठीक है ना। ये 2000 रुपीज नोट का साइज है। अगर हम कलर की बात करेंगे, 2000 रुपीज नोट का कलर क्या है, तो कलर क्या है 2000 रुपीज नोट का? पिंक कलर में, हाँ कि नहीं? ये पिंक कलर में है। देन इसके ऊपर जो फोटो है, कौन सी फोटो है? मंगलयान यहाँ पे इसके ऊपर प्रिंटेड है, ठीक है ना। साइज इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो फोटो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन यहाँ पे ये सारे के सारे लिख लो, मैं यहाँ पे सारे नोट्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। अगर हम 500 नोट के बारे में बात करेंगे, तो इसके ऊपर जो फोटो है, इसका कौन से फोटो है? रेड फोर्ट की फोटो है इसके ऊपर। किसकी फोटो है? रेड फोर्ट की। और इसकी जो कलर है वो कौन सी है? स्टोन ग्रे कलर है। कौन सी कलर है? स्टोन ग्रे कलर। देन साइज की बात करेंगे तो क्या है? 66 mm इंटू 150 mm है, ठीक है, याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखना, हम 200 नोट की देखेंगे। सो 200 नोट के ऊपर जो फोटो है, कौन सी फोटो है? 200 रुपीज सांची का स्टूपा है इसके ऊपर। क्या है? सांची का स्टूपा, लिख लेना नोटबुक में। देन नेक्स्ट देखना, इसके ऊपर जो कलर है ना, वो कौन सी है? ब्राइट येलो है। क्या है? ब्राइट येलो कलर है। ओके, देन इसके ऊपर जो साइज है ना, इसकी साइज क्या है? 66 mm इंटू 146 mm है 200 रुपीज नोट की। देन हम 100 रुपीज नोट के बारे में बात करेंगे, तो इसके ऊपर जो फोटोग्राफ है वो है रानी की वाह, ठीक है। देन इसकी कलर जो है ग्रीन कलर है 100 रुपीज नोट।
कौन सा ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन कलर है इसके ऊपर। देन साइज की बारे में बात करेंगे तो 73 mm इंटू 157 mm है, ठीक है ना, इसके ऊपर इसका साइज, सॉरी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 50 रुपीज नोट के बारे में, तो 50 रुपीज नोट के ऊपर कौन सा कलर है, ब्लू कलर है 50 रुपीज नोट, ठीक है। देन कौन सा फोटो है, हम्पी का फोटो है, ठीक है ना। देन इसकी जो साइज है 66 mm इंटू 135 mm है इसका साइज, याद रखनी है, नोटबुक में नोट डाउन कर लो, अगेन कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये जो आपको कंटेंट मिल रही है ये, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा आउट ऑफ लूसन भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन 20 रुपीज की बात करेंगे तो ये येलो कलर में है, ठीक है ना, ओके। देन इसके ऊपर जो फोटो है वो है एलोरा, एलोरा केव्स है इसके ऊपर, ठीक है। देन इसकी जो साइज है ना 63 mm इंटू 147 mm है, ठीक है ना, 63 mm इंटू 147 mm है इसकी साइज। देन 10 रुपीज नोट का कलर क्या है, चॉकलेट ब्राउन है, ठीक है, कौन सी कलर है, चॉकलेट ब्राउन इसका कलर है 10 रुपीज नोट का। इसके ऊपर जो फोटोग्राफ है ना सन टेम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी साइज तो ये 63 mm इंटू 123 mm का इसका साइज है, ठीक है, ये याद रख लो और नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 500, 200, 150, 20, 10 सारे के सारे नोट्स के बारे में, उसके कलर, उसके ऊपर जो फोटोग्राफ है, उसके ऊपर उसका जो साइज है, वो आपको मैंने पढ़ा दिया। अगर आप चेक करेंगे तो NTPC एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, और SSC की एक एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन आया था, किसी एक फोटोग्राफ का पिक्चर, कौन सा पिक्चर है ये पूछा गया है, कलर क्या है ये पूछा गया है। अभी पढ़ लो, नहीं तो 1-2 मार्क आपके चले जाएंगे, ठीक है, नोटबुक में नोट डाउन कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, कौन सा वन लाइनर है। सो क्या है यहाँ पे, द अनब्रेकेबल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। सो मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी है, और उस बुक का नाम क्या है, द अनब्रेकेबल, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड उनके जो ऑटोबायोग्राफीज है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। प्लेइंग इट माई वे, ये किसके द्वारा ऑटोबायोग्राफी है, किसका ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर का, ठीक है ना, किसका, सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है, एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, माई कंट्री, माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है, LK अद्वानी के द्वारा लिखा गया है, इनका ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और यहाँ पे देखना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है, युवराज सिंह, युवराज सिंह की जो है ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। देन बात करेंगे विंग्स ऑफ फायर, ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसका ऑटोबायोग्राफी है, ये APJ अब्दुल कलाम की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, ये अभिनव बिंद्रा का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा का, ओके। देन यहाँ पे नो स्पिन, नो स्पिन किसका ऑटोबायोग्राफी है, ये अशेन वारन का है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे 281 एंड बियॉन्ड, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, ये लक्ष्मण का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे, सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, सौरव गंगोली का, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मिल्खा सिंह का है, ठीक है, मिल्खा सिंह का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। ओके और भी देखेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ मैं आपको, प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। और कौन से हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसके ऑटोबायोग्राफी है, ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, नटवार सिंह की है, ठीक है ना, नटवार सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। एक बार देख लेना, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज है, नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। ओके कौन से है, यहाँ पे द अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम की है, देन प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, माई कंट्री माई लाइफ एल के अडवाणी की है, ठीक है ना। सो ये सारे के सारे देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ इनमें से कि सब कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से, इनमें से ना बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, जरूर करना, ठीक है ना। सो इतना ही आज का क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, अगर सेशन अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। एंड कल जो है सैटरडे है ना, कल आपको ना बहुत अच्छी क्लास मिलने वाली है, वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्लास मिलने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो DFCCIL एग्जामिनेशन हो या आपका CHSL एग्जामिनेशन हो या CGL एग्जामिनेशन हो या स्टेट लेवल का कुछ एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना, चाहे वो रेलवे का कुछ भी एग्जामिनेशन हो या SSC का कुछ भी एग्जामिनेशन हो, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके अपॉइंटमेंट्स, ये मैं आपको कल शार्प 7 PM को पढ़ाने वाली हूँ, क्लास में ज़रूर आना है और इसको नोट डाउन करनी है, पढ़नी है, एग्जामिनेशन में ज़रूर आनी है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो चलो इतना ही रखते हैं, लास्ट में हम मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक मोटो है हमारा, क्या है ये हमारा स्लोगन, आई कैन एंड आई विल, ये हमारा स्लोगन है, इसको बार बार रिपीट करते रहिए, मिरर में देख के करेंगे तो और भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में बूस्ट मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ लीजिए, 100% आप क्या करेंगे, 100% हार्डवर्क इसमें रखेंगे, ठीक है, हार्डवर्क इसमें रखेंगे तो 100% श्योर है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी ना ले, आपको टाइम मिला है अभी लॉकडाउन में ज़्यादा पढ़ने के लिए, ज़्यादा पढ़ लीजिए, बाहर बिल्कुल भी ना जाइए, ठीक है ना। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं कल 7 PM शार्प एंड मंडे को, एंड अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, मंडे को 7 PM को होगा हमारा लाइव टेस्ट, ओके इसमें भी ज़रूर आना है, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो चलो मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।